इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईफोन में आप यहाँ पर जो ये कॉलिंग पर जो है पूरा फोटो दिखाई दे रहा है आपको बैकग्राउंड में, ये आईफोन में हम कैसे लगा सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये आईफोन में पूरा लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो आपको कभी भी ये पूरी स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। क्या क्या देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो या तो आप कॉन्टैक्ट पर फोटो लगा लीजिए, या फिर आप जब गैलरी में जाएंगे और गैलरी में जाने के बाद लाइक यही वाला फोटो हम लगाते हैं तो किस तरीके से लगाएंगे। अब अगर हमें कॉलिंग पर लगाना है और जिसकी कॉलिंग आएगी उसके कॉन्टैक्ट पर, यहाँ पर पहले फ़ोटो को सबसे पहले टिक कर देना है आगे की ओर, और यहाँ पर हमें नीचे जाना है और असाइन टू कॉन्टैक्ट पर टिक कर देना है। असाइन टू कॉन्टैक्ट पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर हमें जिस भी कॉन्टैक्ट पर लगाना है उस पर टिक कर दीजिए। ठीक है, टिक करने के बाद आप इसे फुल स्क्रीन पर यहाँ पर जितना भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, और उसके बाद चूज़ पर टिक करके आप इसे अपडेट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, अब जब भी आपको कॉल आएगी अगर आपका ऐसी स्क्रीन पर है स्टार्ट है तो आपको फुल स्क्रीन पर कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। फुल स्क्रीन पर कब देखने के लिए मिलेगा, जैसे हम अपनी स्क्रीन को ऑफ करते हैं और अब इस टाइम कॉल आती है तो फुल स्क्रीन पर हमारा वॉलपेपर दिखाई देगा, वरना आधी स्क्रीन पर आपको वॉलपेपर दिखाई देगा। तो ये रहता है इसका सारा का सारा रीज़न जो हर किसी को यहाँ पर नहीं मिल पाता फुल स्क्रीन पर। तो आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर जब भी कॉल आएगी तो आपको फुल स्क्रीन पर वो वॉलपेपर दिखाई देगा। तो कॉलिंग पर वॉलपेपर लगाने का ये प्रोसेस रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।